हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टैंगी एंड स्पाइसी हींग लेमन पिकल, आई मीन नींबू का हींग वाला अचार। मेरी दादी की ये रेसिपी है, दादी से मम्मी बनाती थी और मम्मी से मैंने सीखा। बहुत ही मज़ेदार अचार बनकर आती है और ये घर में बनी है तो इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर हम नींबू का अचार, आम का अचार मार्केट से खरीद कर लाते हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, वो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बड़ी होती है। तो चलिए आज मिल करके बनाते हैं हींग वाला नींबू का अचार। आप देख सकते हो मैं मम्मी के यहाँ जब गई थी तो आते वक्त मम्मी ने मुझे फ्रेश लेमन तोड़ करके दिया पेड़ से। मम्मी के यहाँ ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं और हमारे यहाँ इस नींबू को जमीरी नींबू बोलते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ अचार बनाने में ही किया जाता है। तो आप इस नींबू से अचार बना सकते हो, आप जेली बना सकते हो, आप खट्टी मीठी स्पाइसी स्प्रेड बना सकते हो। तो चलिए आज इसका मैं अचार बना करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है और यकीन मानिए आप इसे सालों तक खा सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब लगता है खाने के टाइम में कि आप सिंपल रोटी के साथ खाओ, दाल राइस के साथ खाओ, आपके खाने के स्वाद को दोगुना कर देती है। तो मैं यहाँ नींबू के बाहरी परत को छील करके हटा रही हूँ। पहले के टाइम में दादी जब बनाती थी तो इसे घिस करके बाहरी परत को हटाती थी, बट मैं सिंपली इसे पील आउट कर रही हूँ ताकि ये बहुत आसानी से और इजीली बन जाए। तो आप भी इसी तरीके से नींबू को किसी पीलर की मदद से इसके बाहरी परत को छील लेना। इसमें काफ़ी कड़वाहट होती है जिससे आपके अचार जो है वो कड़वा नहीं बनेगा। इसी तरीके से हमें सारे नींबू को छील लेना है और उसके बाद फिर हम इसका अचार डालेंगे। ध्यान रखें कि पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना ही धोएं। अगर धोएं तो उसे अच्छे से कपड़े से वॉश कर लें और पीलिंग के टाइम में भी हाथ बिल्कुल गीले ना हो, नाइफ़ या पीलर पे भी पानी ना हो। जितना आप पानी से बचाओगे इस अचार को, इसकी सेल्फ लाइफ उतनी ही होगी। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू को, सारे नींबू को छील लिया है और इसके छिलके को फेंके मत। इसे सुखा करके, ग्राइंड करके आप एक फेस पैक बना सकते हो। और कुछ नींबू को मैंने बचा लिया है, इसका इस्तेमाल मैं किसी और रेसिपी में करूँगी। तो यहाँ पे छील करके नींबू रेडी है। इसको मैं दो टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आपको अचार के पीसेस छोटे चाहिए तो आप इसको चार टुकड़ों में कट कर सकते हो, बट मैं यहाँ दो ही टुकड़ों में कर रही हूँ ताकि ये गलने के बाद थोड़े से और छोटे हो जाते हैं तो मुझे अचार में पीसेस बड़े दिखने चाहिए, इस वजह से मैं बाई टू कट कर रही हूँ। कट कर लेंगे, बड़े या आराम से कट करना गाइस। इसको कट करते समय मेरी उंगलियों पे थोड़ा सा कट लग गया था और नींबू का रस जब उसमें लग रहा था तो बहुत दर्द हो रहा था। तो कभी भी कटिंग या चॉपिंग करें तो अपने हाथों को थोड़ा सा बचा करके ही करें। यहाँ पे अचार बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब कभी भी आप बर्तन सेलेक्ट करें तो एलुमिनियम का बर्तन या पीतल के बर्तन में किसी भी अचार या नींबू का इस्तेमाल ना करें। तो मेरा यहाँ ये प्लास्टिक का इडली मेकर है जो मैं माइक्रोवेव में यूज़ करती हूँ, उसी में मैं अचार बनाऊँगी। तो नींबू को उसमें मैंने डाल दिया और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप नमक। तो नमक इसमें ज़्यादा डालें क्योंकि इसी में जो है वो नींबू गलेंगे। और 1/2 कप मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। काफ़ी स्पाइसी है तो लाल मिर्च से ही इसमें फ्लेवर आएगा। और 1/4 कप मैंने इसमें ऐड करा है विनेगर। और यहाँ मैं इमामी का ऐड कर रही हूँ हींग, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो भी मैं 1 टेबल स्पून हींग इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हींग वाले ही लेमन पिकल हैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको भी मेरी तरह खट्टा खाना पसंद हो, तीखा स्पाइसी पसंद हो, तो आप ही ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें। और अगर आपको ये खट्टा तीखा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल भी ये रेसिपी ट्राई ना करें क्योंकि
बहुत स्पाइसी और खट्टी अचार बन कर के तैयार होगी। इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढक करके हम ओवरनाइट छोड़ देंगे ताकि जो नमक है वो मिर्च और विनेगर के साथ मिल करके सुबह तक इसमें वाटर जनरेट कर दे। तो बस आप यहाँ पे ये अचार जो है वो इनिशियल प्रोसेस इसका ख़त्म हो चुका है। अगले दिन सुबह आप देख सकते हो कि इसमें पानी निकल आया जो कि नमक की वजह से था। अब इसे हमें एक हफ्ते तक इसी तरीके से धूप में रखना है। मम्मी के यहाँ जब मैं थी तो वहाँ काफ़ी स्पेस था तो बड़े आराम से सारी चीज़ें होती थी। यहाँ मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो मेरे पास बालकनी का ऑप्शन है, बट फिर भी मैंने बालकनी में डाल कर इसे 7 दिन के बाद आप देखो कैसे अचार जो है वो गल गए हैं। नींबू परफेक्टली कुक हो चुकी है और खाने में तो गाइस ये इतनी लाजवाब बनी है कि उंगलियां चाट चाट कर भी खाओगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा। तो ज़रूर से आप भी इसे एक बार ट्राई करें। और अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको स्टोर करके आराम से साल भर तक खा सकती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेकर मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।